सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। शहरी औरंगाबाद के कटकट गेट इलाके के एक नौजवान ने, जिनका नाम मोहम्मद साले बिन माजी है, उन्होंने औरंगाबाद के घाटी दवाखाने में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। वो औरंगाबाद में प्लाज्मा डोनेट करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा दवाखाने और इलाज और प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में। प्लाज्मा खरीद किया है और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग नहीं आ रहे, डर रहे, घबरा रहे, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह मैं जा गया डोनेट करके आया, गाड़ी है घाटी की लेके गई और घर तक लाके छोड़े बेचारे ने, हर चीज़ किया माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं आया उसमें माशाल्लाह। घाटी अस्पताल से और लोगों ने जाके देना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने से तकरीबन 6 या 7 जनों की ज़िंदगी वापस आ सकती है जो वेंटिलेटर पर रहते हैं, और ये ज़रूरी डोनेट करना चाहिए। जितने कोरोना हो उन्होंने जाके प्लाज्मा डोनेट करना ज़रूरी है। आप मौत के मुंह से वापस आए, वेंटिलेटर पे थे, तो उसके बाद आपने ये प्लाज्मा डोनेट करने का निर्णय लिया? जी हाँ, इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा किसी ने हो सकता प्लाज्मा दिया उनकी वजह से, और अल्लाह के बाद उनकी वजह से हम बचे, हो सकता है हमारी वजह से किसी और का फ़ायदा हो तो अच्छी बात है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ जिसको भी कोरोना हुआ जाके प्लाज्मा ज़रूर दिया। आपके घर में और कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया था? हमारे घर में 2 लोगों को क्वारंटाइन किया था, वो भी अभी ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। कोरोना से जंग जीत कर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं कटकट गेट में रहता हूँ, नेहरू नगर में। तो क्या क्या मसरूफियत क्या है आपकी? मसरूफियत गाड़ी खरीदना बेचना सब, बस और कुछ नहीं। तो कितने दिन रुके बोले आप अस्पताल में? मैं अस्पताल में 26 दिन था। 26 दिन आपके साथ कोई नहीं? कोई नहीं था। तो अस्पताल वालों ने आपका मुकम्मल देखभाल की है? अस्पताल वालों ने, और हिम्मत रखना चाहिए, और हिम्मत रही तो ही आदमी ठीक रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और हिम्मत नहीं रही तो आदमी। प्लाज्मा डोनेट आपने कौन सी तारीख को किया? कल की तारीख में किया। तो कितने लोग थे आप जब प्लाज्मा देने के लिए गए? तो प्लाज्मा देने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले था, और डॉक्टर लोग खुद बोल रहे थे ऐसा, लोग डर रहे प्लाज्मा देने के लिए, बोले आप इंटरव्यू दो और इंशाल्लाह हो सकता है आपकी वजह से आके लोग प्लाज्मा देंगे करेंगे तो लोगों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद सालेह अमर बिन माजी।